Guys, we all have seen and experienced the way Delhi government has built numerous school buildings and provided all the necessary services in every government schools of Delhi. They have done a marvelous job in the field of education. आज से 10 साल पीछे चले जाएं और दिल्ली के स्कूलों का हाल देखें तो उस टाइम पे बिल्डिंग्स प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं थी और बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, प्लेग्राउंड, बाथरूम्स तक ठीक से अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा लैब्स एंड लाइब्रेरी वर आल्सो नॉट फंक्शनिंग द वे दे शुड बी। कोई बच्चा गया अभी तक कंप्यूटर में? पहले मेरे को यह बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे से कि आपके पास बच्चे आते हैं? अरे समझा हुआ? तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। ये प्रैक्टिकल है? यस सर। तो प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है? यस सर। क्यों पढ़ा रहे हैं यार ये सब बच्चे? की स्टेंस को आप चाहोगे क्या आपका बच्चा? नहीं, दूसरा का बच्चा को क्यों बुला रहे हो? भीड़ बकरियों के बच्चे नहीं जानोगे? हमारी छत टूटी पड़ी है, पानी ट्रक से हम कैसे पढ़ पाएंगे? दूरी बाद आते हैं और स्कूल का टॉयलेट सामने से निकला भी नहीं जाता। भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक की किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल गंदे होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी होती थी, टीचर टाइम से नहीं पहुंचते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी। As we all know that Delhi is still not a full-fledged state, so being a union territory, it is quite challenging for them to work as all the authorities are not in their hand, and due to which they have to ask central government before making any big decision and all that. But despite of all those challenges, Delhi government managed to make available all the basic facilities along with the superior quality of education to its student. आसान नहीं था ये करना। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स आड़े आए, पॉलिटिक्स को भी किनारे कर दिया तो एलजी साहब आड़े आ गए। आपको तो पता है कितना मैं एलजी साहब से। हमने कहा नहीं, नीचे नीचे एजुकेशन पे काम होने दो, उसमें भी नहीं माने। जो इंजीनियर्स काम करना शुरू करते थे उनका ट्रांसफर कर देते थे। अगर 3 साल पहले एलजी साहब ने टांग नहीं अड़ाई होती तो ये काम 1 साल में हो गया होता। लेकिन हम भी अड़े रहे, हिम्मत नहीं आ रही। मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दोगे, बच्चों के लिए स्कूल तो बनेंगे चाहे जो, और आज बन रहे हैं। At present, there are around 1,000 government schools and 1,700 private schools in Delhi, nearly all of which are affiliated with CBSE. And in last few months, you might have heard the news ki Delhi has created its own board of education and is going to tie up with some IB to provide international level of education to its student. So today in this episode, we will talk about DBSE, that is Delhi's Board of School Education, and try to understand SOSE, that is the School of Special Excellence, and what are the benefits will Delhi schools get after getting connected with IB, that is International Baccalaureate Board. Since every Indian state have their own state educational board like Haryana board, Rajasthan board, UP board, Karnataka board and all that. So in the same fashion, Delhi has also started its own educational board in the year of 2021. That is DBSE, Delhi Board of School Education.
एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाई डिप्यूटी सीएम एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हुई इज मनीष सिसोदिया, द न्यूली फॉर्म डीबीएससी विल एफिलिएट 30 गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिस एकेडमिक ईयर एंड आउट ऑफ दिस 30 स्कूल्स 20 विल बी एसओएसएस दैट इज स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सलेंस एंड द रेस्ट 10 विल बी जनरल सर्वोदय स्कूल्स। गाइस, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल इस एकेडमिक ईयर के लिए 30 ऐसे स्कूल्स लॉन्च किए हैं जो डीबीएससी से एफिलिएटेड हैं एंड आउट ऑफ दोज 30 स्कूल्स 20 विल बी स्पेशल स्कूल्स। अब ये जो 20 स्पेशल स्कूल्स हैं ये चार तरीके के होंगे। इसमें कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो पूरी तरह स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे फोकस होंगे, कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो ह्यूमैनिटीज़ पे फोकस होंगे, कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो पूरी तरीके से परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स पे फोकस होंगे एंड सम ऑफ देम विल बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। SOSC अपने आप में एक डिफाइंड नाम है। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम कि यहाँ के बच्चे सीधे IIT, IIM और हार्वर्ड से नीचे का तो सपना ना देखें। खाली एक अच्छा स्कूल बनाने का काम नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रीम को लेकर पागल नहीं हुए जा रहे हैं तो SOE का कोई मतलब। स्कूल ऑफ एक्सलेंस पूरे देश के ड्रीम स्कूल बने। बड़ा ड्रीम दे रहा हूँ, छोटा मत छोड़िए, छोटे शब्दों में रखिए। SOE क्या है? एक ओवरऑल कंप्लीट स्कूल की डेफिनेशन में क्या आता है? नर्सरी से या छठी से उसमें एडमिशन होगा और साथ साथ उसमें सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगे बच्चों को। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम लाएंगे, अच्छी लैब लाइब्रेरी बनाएंगे। अभी सरकार इसको चेंज कर रही है। SOE सरकार कर रही है कि अगर स्कूल साइंस का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है तो वहां साइंस का बेस्ट टीचर, बेस्ट लैब, बेस्ट लाइब्रेरी, सारे कॉम्पिटिशन की तैयारी, सारा का सारा साइंस की एक्सीलेंस दी जाए। अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स की एक्सीलेंस दी जाएगी, अगर ह्यूमैनिटीज का है तो ह्यूमैनिटीज की एक्सीलेंस दी जाएगी। अब ये सारे सब्जेक्ट सारे स्ट्रीम्स के स्कूल नहीं होंगे, ये एक स्ट्रीम को पकड़ के उसका एक्सीलेंस बनाने का स्कूल है। अभी तक हमारा अच्छा स्कूल का मतलब था सारे स्ट्रीम को पकड़ के सारे स्ट्रीम्स को अच्छा कराने की कोशिश। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हमारी कोशिश यह है कि हम एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे और एक अच्छे स्कूल से भी और 4 गुना 10 गुना फिर वो कैसे करेंगे वाला आंसर आ जाता है कि एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे और उसमें उस स्ट्रीम को पकड़ के उसमें इतना एक्सलेंट सुविधाएं देंगे, वहां पे इतना एक्सलेंट एजुकेशन का माहौल देंगे, उससे बढ़िया कहीं होगा नहीं। ये हमारी बात तय हमने ये किया है कि ये 9वीं से 12वीं का स्कूल होगा। 8वीं तक बच्चा कोई भी कहीं पढ़ता हो अगर उसमें उस स्ट्रीम को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा दम कम है तो वो 8वीं में अपना परीक्षा दे, साथ साथ में हमारी परीक्षा दे, 9वीं में आ जाए, 9वीं से उसकी जिम्मेदारी, फिर उसको एक्सीलेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी। उसमें देश की सबसे बढ़िया लैब होगी उस सब्जेक्ट की, वो स्ट्रीम की सबसे बढ़िया पढ़ाई हुई होगी। ये ऐसे स्कूल है। According to the official notification from Delhi government, 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और सिर्फ 7 दिन बाद दैट इज 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड एंड दो स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर एन एडमिशन इन 9th क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट 60% इन 8th एंड दो स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन 11th क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट 75% इन 10th। Admissions to these schools will be on the basis of aptitude test and that will be conducted from August 23 to 29. Guys, date note कर लेना, 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में aptitude test होंगे और registration date 12 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में है। And application for the same can be downloaded from educational department website from August 12 to August 19 as I mentioned earlier. Student in any government or recognized school of Delhi are eligible to apply for admission. This means student from private schools will also be eligible to apply to these schools. However, the government has reserved 50% seats in each SOSC's student from government schools. यानी कि government ने 50% seat government school के बच्चों के लिए reserve कर दिया है पहले से ही। Guys, the registration of School of Special Excellence will start on 12th August till 19th August. So guys, आपके पास सिर्फ 7 दिनों का वक्त है, सारे documents ready कर लो क्योंकि registration portal सिर्फ 12 से 19 अगस्त के बीच में ही open है। जहां आपने registration करना है उसका official link मैंने description में दे दिया है और हाँ, आप लोग इस channel को subscribe कर लो so that you can get updated
as per the changes and new things introduced by Delhi government. Guys, if you find something valuable in this episode, then hit the like button and share it with your friends and family so that they can also get benefited from the same information. Aur jaldi milte hain kuch naye updates ke saath.